आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सिरोही की तलवारों के बारे में। क्यों आप ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं सिरोही की तलवारें, क्यों आपको ज्यादा पसंद आती हैं सिरोही की तलवारें। नमस्कार, मेरा नाम इंद्र सिंह चौहान है और आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं सिरोही की तलवारों की खासियत, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में जरूर जुड़े रहे लास्ट तक। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सिरोही की तलवारों के बारे में, हम पूरा कवर करेंगे एक एक जो चीजें है सिरोही की तलवारों की खासियत की, क्या खूबी है सिरोही की तलवारों में, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सिरोही तलवार की ये खासियत है कि आज के मशीन युग में भी लोहे को गर्म करके सिर्फ हथौड़े की सहायता से तैयार की जाती है। पुराने जमाने में रोटी व जहरीले पदार्थों के मिश्रण से ये तलवार तैयार होती थी। इसके बाद तलवार बनाने का मटेरियल मालवा मध्य प्रदेश से आने लगा। मालवा का लोहा गोल वोट की तरह होता था, जिसे भट्टी में तपाकर हथौड़े से कूटकर पट्टी नुमा बनाया जाता था। इस पट्टी को बार बार भट्टी में तपाकर तलवार का रूप दिया जाता था। अब ये मटेरियल अहमदाबाद से आने लगा, जिसके नंबर पर ये खरीदा जाता है। शिल्पकार प्यारेलाल मालवीय बताते हैं कि सिरोही की तलवार 27 से 31 इंच तक लंबाई में बनाई जाती है। सिरोही की तलवारें बनाने में 1 किलोग्राम लोहे को काम में लिया जाता है। लोहे को भट्टी में तपक कर अंतिम रूप देने तक ये वजन घटकर 900 ग्राम रह जाता है। ये तलवार वजन में काफ़ी हल्की होती है, लेकिन काम में लेने पर न तो मुड़ती है और न ही टूटती है। जितनी अधिक काम में लेंगे उतनी ही धारदार होगी। सिरोही की प्रसिद्ध तलवार दिल्ली के म्यूजियम में भी मरी शोभा बढ़ा रही है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 18 अक्टूबर 1958 को सिरोही में आए थे, तब शिल्पकार प्यारेलाल के पिताजी एकाजी ने उन्होंने सिरोही की प्रसिद्ध तलवार संप्रेम भेंट। पंडित नेहरू लोहे धातु शिल्प कला को देखकर बेहद खुश हुए थे। आज भी ये दिल्ली के म्यूजियम में एकाजी पुत्र केसाजी सिरोही के नाम से हमारी शोभा बढ़ा रही है। शिल्पकार प्यारेलाल बताते हैं कि उन्होंने पूर्वजों को इस कला को बदौलत राजा महाराजाओं में खूब सम्मान दिया। प्यारेलाल को भी वर्ष 2019 में जोधपुर में आयोजित इटेक सिल्वर जुबली अवार्ड सेरेमनी में जोधपुर के नरेश गज सिंह जी व तत्कालीन महापौर रामेश्वर लाल दादिच ने भी सम्मानित किया था।